रामेश्वरी काशीनगर सनराइज स्कूल के पीछे के परिसर में रहने वाली आशाबाई चंद्रवान मून को कोविड होने से शुक्रवार को आईजीपीए हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जामठा वर्धा रोड में परिजनों ने भर्ती किया था। आज सुबह कोविड क्वारंटाइन सेंटर से मून परिवार को फोन कर बताया गया कि आशाबाई का निधन हो गया है। परिजनों में खलबली मच गई। परिजन जल्दी से अस्पताल पहुंचे। घर के लोगों को आईजीपीए हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जामठा प्रशासन ने शव व मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू की, साथ ही घर पर मंडप मार सेंटर भी डाल दिया। कई रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी दी गई। घर में मातम पसरा। कुछ देर बाद अस्पताल प्रशासन ने आशाबाई का निधन नहीं हुआ ऐसा परिजनों को बताया, जिसके चलते परिजन रोष में आ गए। आशाबाई को तुरंत अब परिजन दूसरे अस्पताल लेकर गए हैं। आशाबाई के परिजन मनोज लिहितकर ने बताया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से जिंदा महिला को मृत बताना गंभीर मामला है। मेरा नाम रवि धारकर है। मेरे दोस्त अजय मून की मम्मी आशा मून जी को कल रात को अराउंड 11:30 के आसपास 11:30-12 के आसपास दिनांक 9 अप्रैल को कोविडालय हॉस्पिटल में एडमिट किया। कोविडालय ये गायकवाड़ इंजीनियरिंग कॉलेज के यहाँ पे उन्होंने कोविडालय करके हॉस्पिटल शुरू किया हुआ है। इस हॉस्पिटल में हमने रात को उनको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद आज कोविडालय हॉस्पिटल की तरफ से हमें मॉर्निंग में अराउंड 8 बजे फ़ोन आया मेरे दोस्त अजय मून को कि उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई है। उनकी मम्मी एक्सपायर होने के ऐसा उनका मॉर्निंग उनका मैसेज आया। मैसेज आने के बाद जब हम हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल में आने के बाद जब हम बाकी डेड बॉडी की जो भी हैंड ओवर के लिए जो भी प्रोसीजर होती है वो प्रोसेस पूरी की, उन्होंने हमें डेथ सर्टिफिकेट भी दिया हमारी आंटी के नाम का, आशा मून जी के नाम का। जब हम डेड बॉडी की तरफ गए, जब हमने डेड बॉडी की उनको कहा कि हमको हमारी आंटी जी को देखना है एक बार, जब हमने डेड बॉडी का मुंह खोला तो हमारी आंटी जी की डेड बॉडी थी ही नहीं। ऐसे में किसकी मौत हो रही है और कौन जिंदा है इसको लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग मून परिवार ने की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।